छियालीस अलग अलग शहरों में जाकर युवाओं को नौकरी दी गई है देश में ऐतिहासिक फैसला लिया गया डिजिटल इंडिया की ओर कदम तेजी से देश आगे बढ़ा रहा है इन सब बातों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने आज इक्यावन हजार अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंप दिया है मतलब कि इक्यावन हजार युवाओं को रोजगार दिया गया है सरकारी नौकरी देते हुए कहा है कि आने वाले समय में सरकारी नौकरी और भी बढ़ने वाली है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने इक्यावन हजार अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंप दिया साथ साथ उन्हें सरकारी नौकरी का फायदा भी बताया है और भी क्या कुछ कहा है अपने संबोधन के जरिए सब कुछ आपको आगे बताते हैं कौन कौन से विभाग में इन्हें नौकरी मिली है ये भी जानकारी आगे रिपोर्ट में आपको हम विस्तार से देंगे अब नमस्कार आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से देश के हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी की सौगात दे डाली है एक साथ इक्यावन हजार युवाओं के चेहरे पर मुस्कुराहट दी है आज देखने को मिला है कि कैसे इक्यावन हजार युवाओं को एक साथ पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नौकरी दे रहे हैं जी हाँ नौवे रोजगार मेले से जुड़कर इन्होंने इक्यावन हजार युवाओं को सरकारी नौकरी दी है नियुक्ति पत्र सौंपा है रोजगार मेले में पीएम मोदी सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र पाने वाले युवा उम्मीदवारों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि भारत बदलाव की ओर बढ़ चुका है इसके साथ साथ पीएम मोदी ने जिन भी अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी की जिम्मेदारी सौंपी है जिन इक्यावन हजार अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया है उन्हें बधाई भी दी है साथ में यह भी बताया है कि सरकारी नौकरी कितनी जरूरी है और आने वाले समय में और भी कई बहाली ऐसी निकाली जाएगी ताकि जो भी और बेरोजगार युवा हैं उन्हें नौकरी मिल सके केंद्र सरकार के द्वारा शहर शहर में रोजगार मेला लगाया जा रहा है और जरूरतमंदों को नौकरी दी जा रही है अब डिग्रीधारी बेरोजगार नहीं रहेंगे जिनके पास डिग्री होगी जिनके पास जानकारी होगी उनके पास नौकरी भी होगी इस मिशन पर सरकार ने अपना रोजगार मेला लगाने का कार्य भी शुरू कर दिया है और यही कारण है कि शहर शहर में रोजगार मेला लगाया जाता है और लाखों करोड़ों युवाओं में से चुनकर उन बेहतरीन युवाओं को लाया जाता है जो नौकरी योग्य होते हैं और अब इसी कड़ी में इक्यावन हजार अभ्यर्थियों को उस बार नरेंद्र मोदी ने नियुक्ति पत्र दिया है इसके साथ साथ पीएम मोदी ने यह भी बताया है कि देश के कोने कोने से इन युवाओं को ढूंढ कर लाया गया है इन्हें नौकरी दी जा रही है मतलब कि जो भी जो भी युवा है जिन्हें आज नियुक्ति पत्र सौंपा गया है वो नौकरी योग्य हैं इसीलिए उन्हें यह सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपा जा रहा है अपने संबोधन के जरिए पीएम मोदी ने महिला आरक्षण पर लिए गए बड़े फैसले का भी जिक्र किया है और बताया है कि तीस सालों से जो आरक्षण बिल पास नहीं हो पा रहा था अब वो भी पास हो चुका है देश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है ऐसे में युवाओं को भी आगे आने की तरक्की करने की जरूरत है देश में टेक्नोलॉजी भी अब हर क्षेत्र में इस्तेमाल होने लगी है लाखों युवा सरकारी सेवाओं में शामिल हो रहे हैं और आगे भी बड़े पैमाने पर युवाओं को सरकारी नौकरी में लिया जाएगा ऐसे में हर एक क्षेत्र में सरकारी नौकरी की बहाली निकाली जाएगी और देश में बेरोजगारी एकदम से खत्म करने की कोशिश जारी है

तरीके से सरकार के द्वारा धीरे धीरे करके जो बेरोजगारी की समस्या है वो खत्म करने की कोशिश की जा रही है उस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनता जनशन के साथ कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना धन्यवाद